चलो पूछते हैं आज की क्लास में से पूछता हूँ सवाल, है ना। जवाब ये देगी और आप भी देना और देखना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा और स्क्रीन के बगल में ये बैठा आपके जैसे सवाल में पूछने वाला हो ना। देखते हैं मेरा रसगुल्ला पहले देगा या भाई साहब रसगुल्ली पहले देने वाली है ना। तो सवाल आपसे आज की क्लास में से कि यूएस ओपन महिला का खिताब किसने जीता हाल ही में? भाई ईगा स्वीटेक साहब खतरनाक। अरे रामफल क्या करो, छापो आंसर, छाप दिया आंसर। ईगा स्वीटेक कहाँ की है? पोलैंड पॉलैंड की। अद्भुत। और क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता 2022? की ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल फीमेल मेल राफेल नडाल राफेल नडाल। और फीमेल फीमेल वो अरे ऑप्शन 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 नहीं, नहीं मेरे को नाम याद नहीं आ रहा चलो बस रेबेकीना ऑप्शन नंबर एक, नहीं है ऑप्शन नंबर दो ईगा स्वेटेक, नहीं ऑप्शन नंबर तीन एस्ले बार्टी, ऑप्शन नंबर एशली बार्टी पक्का ऑस्ट्रेलिया की सन्या करेक्ट ऑस्ट्रेलिया आंसर, पर ऑप्शन में दिया इसने ना। अरे हमारा रसगुल्ला राफेल की तरह आंसर छाप रहा है भाई साहब, है ना। चलो एक सवाल और पूछता हूँ आपसे, सामने से पूछता हूँ, ये सही है तरीका है ना। ठीक है आज की क्लास में से पूछ रहा हूँ आपसे भी सवाल और इससे भी पूछ ही रहा हूँ आज की क्लास में से ही। भारत चलो बता पीएम श्री योजना आज ही क्लास में आस पास सितंबर दो में। हजार अरे बाईस को स्टार्ट की थी सुन तो चौदह ले, हजार पांच सौ सवाल तो स्कूल। सुन ले। अरे 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 हाँ नाम पर रुक जा, थम जा भाई साहब, मतलब हम नहीं पूछ रहे सवाल, हटाओ ये वाला नहीं पूछ रहे, कोई और पूछेंगे। मतलब ऐसा थोड़ी केबीसी खेलते हैं, ऑप्शन सुनो चार फिर बात करो। 5 सितंबर 2022 को इतने स्कूल में स्टार्ट की, रुक जा नहीं खेल रही, ये वाला कैंसिल करो ना। चलो ये बताओ एशिया कप 2022 जो है, सवाल सुन लेना पूरा है, एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका ने कौन सी बार जीता? सिक्स ऑप्शन बार भाई साहब खतरनाक वाला माहौल है भाई साहब इस समय। चलो बताओ मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला? ऑप्शन चार खिलाड़ी मुझे याद नहीं है श्रीलंका के, चलो फिर भी देता हूं ना वो है कुछ मलिंगा और वैसे कुछ बताया था वैसे ही क्या मेरे को बताओ बताओ एग्जैक्ट ऐसे ही कुछ नाम है मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं हसरंगा। हसरंगा ठीक है, और सबसे अधिक बार किसने जीता है एशिया कप? इंडिया 7 7 बार इंडिया 7 बार। उप विजेता कौन रहा इस बार? इस बार पाकिस्तान पाकिस्तान। तुम बताओ उप विजेता कौन रहा इस नल्ला बार? नल्ला नल्ला राव विजेता, ठीक बात है ना। और बताओ आज का सवाल पूछता हूँ आपसे, ब्रिटेन की जो नई प्रधानमंत्री बनी है वो कौन सी पार्टी से है? भाई कंजर्वेटिव साहब यस खतरनाक, कौन नाम बताओ? लिसा ट्रस बिल्कुल लिस्ट ट्रेस, हाँ बोला इतने यस धीरे था कि खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था पर इतने धीरे से चिपका दिया है ना लिस्ट ट्रेस। लिस्ट ट्रस हाँ बताओ ब्रिटेन के नए राजा कौन बने? सम्राट। ऑप्शन नंबर एक एलिजाबेथ सेकंड, ऑप्शन नंबर दो किंग्स चार्ल्स थर्ड, थर्ड किंग्स चार्ल्स थर्ड ऑप्शन सुन ला गए, ऑप्शन नंबर थ्री किंग धीरे से पूछ रही है, गलत तो नहीं मेरा चीटिंग भाई साहब, मतलब सोचा आप कौन बने करोड़पति चल रहा है और अमिताभ बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की वाइफ बैठी है और अमिताभ बच्चन से पूछ रही है, गलत तो नहीं बता रही मैं भाई साहब, ये तो चीटिंग है ना। तो ऑप्शन नंबर आपने थ्री ऐसे बोला ना आगे दे रहा हूँ तो मुझे लगा कि शायद ऑप्शन नंबर थ्री सुनो किंग विलियम थर्ड, नहीं ये तो नहीं ऑप्शन नंबर चार, और ऑप्शन नंबर चार किंग जॉर्ज थर्ड, किंग जॉर्ज थर्ड सोच लीजिए आप किसी को फोन मिलाना चाहोगे सोच कर
भाई साहब बहुत माहौल, मतलब माहौल खतरनाक बड़ा है इस बार। बताओ किंग्स चार्ल्स थर्ड, अब तो मेरे को कंफ्यूज कर दिया, जॉर्ज थर्ड या चार्ल्स, किंग जॉर्ज थर्ड। अब मैं इसमें ऐसे कमेंट्स देख के बताऊंगी, कमेंट रिप्लाई नहीं, नहीं मेरे को दिख भी तो नहीं रहा। किंग जॉर्ज थर्ड पक्का कंफर्म कर दूं, लॉक कर दूं? हां जॉर्ज ही है, देख लीजिए आप बहुत अच्छा खेल रही हैं इस समय, जॉर्ज ही तो है शायद। मैंने ऑप्शन दिया किंग चार्ल्स थर्ड, किंग जॉर्ज थर्ड, किंग विलियम थर्ड। भाई साहब ऐसे ऑप्शन होना मजा आ जाएगा। बताओ किंग जॉर्ज थर्ड पक्का लॉक कर दे जाए? इसके पैसे भी चाहिएंगे फिर मुझे। बोलो गई भैंस नहीं पानी में। किंग चार्ल्स थर्ड, किंग चार्ल्स थर्ड। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जॉर्ज तो आ रहा है, अरे झापट मारो किंग जॉर्ज वालों सबके, मैं कान के नीचे किंग चार्ल्स थर्ड। मैं सही बोल रही थी, नहीं सही देखो, फिर आपने कहा ऑप्शन आ गया, निष्पक्ष खेल है एकदम। हाँ। इसमें मतलब किसी का कोई हिस्सा नहीं है भाई साहब, जो मुझे शांति मिली है ना क्या बताऊं आपको। वरना मुझे शक हो रहा था सारे आंसर्स को आते हैं। चार्ल्स एक सवाल और, ठीक है लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। टिन 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 टिन। तो लास्ट सवाल जो आपसे पिछले 5 दिन की क्लासों पर आधारित सवाल है। नहीं तो ये बस ऐसी क्लास सुनती रहती है, मैंने देखा है इसको है ना, सुबह मैं जग जाता हूँ तो ये भी खड़ी होती है, तो मेरी ऐसी सर कंफ्यूज कर रहा हूँ मैम को, देखो कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है और पति खुद सामने बैठा है ना। तो पति तो खुद सामने बैठा है, सर आपने फंसा दिया मैम को। चलो एक सवाल और आपसे पूछता हूँ, मजा तो आ रहा है ना आपको, कुछ सवाल भी रिवाइज हो रहे हैं आपके, ये भी सही तरीका है अपने आप में ना, रिविजन भी हो रहा है आपका, तो मजा आ रहा है। चलो पूछो सर। ठीक है एक और सवाल आपसे पूछा जाता है यहाँ पर, कि थोड़ा पुराना पूछ रहा हूँ, इससे पता लगेगा कि पुराना कितना याद है ना। चलिए पुराना पूछता हूँ सवाल, कि ब्रिक्स की 14वीं बैठक जो है वो 2022 में चाइना, भाई साहब, और 13वां इंडिया। गजब अद्भुत यार क्या बात है। तो लास्ट है, लास्ट नहीं अभी एक और पूछो, जब तक अटक नहीं जाएगी ना वो लास्ट होगा, ठीक है जब अटकेगी ना तभी लास्ट बनेंगे। ऐसे नहीं, उससे पहले नहीं, गेम नहीं छोड़ सकते आप, गेम को भी जो छोड़ने, मैं पैसे लेके गेम क्विट करना चाहती हूँ। नहीं 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 पैसे लेके जाएगी कहाँ। ये बता पहले, ठीक है अगला क्वेश्चन। ठीक है तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा सवाल आपको, और सवाल आपसे पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स का सवाल पूछना है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी। ऑप्शन नंबर एक, ये आया सवाल चेहरा देख के महसूस हो गया ना। तो ऑप्शन वन, ऑप्शन नंबर एक मिताली राज। सवाल आज, ये सवाल ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना, आज वाली शिफ्ट में सवाल पूछा गया ग्रुप डी की परीक्षा में, कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी। ऑप्शन नंबर एक मिताली राज, ऑप्शन नंबर दो छूलन गोस्वामी, ऑप्शन नंबर थ्री स्मृति मंदाना। गूगल अगर चलाया तो खोपड़ी फोड़ दी जाएगी भाई साहब। ऑप्शन नंबर चार, और वो है हरमनप्रीत कौर। तुम कमेंट मत दो, देख रही है बताओ, मिताली राज, स्मृति मंदाना, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर। ये आपने नहीं पढ़ाया, और पढ़ाया नहीं भाई साहब, मतलब सरासर इंजाम केबीसी में कोई अगर बोलता है अमिताभ बच्चन से कि ये तो आपने नहीं पढ़ाया, नहीं नहीं ऐसे नहीं, गलत बात, तुक्का लगा, ठीक है तुक्का लगा, हरमनप्रीत कौर लगा रही मैं तुक्का, सोच लीजिए। सर आज मेरे पेपर में सवाल आया था, बिल्कुल मैंने कहा था आज पेपर में सवाल पूछा गया था, तो किस पर लगाओगी? हरमनप्रीत कौर। कन्फर्म हो आप? आता भी नहीं है तो फिर लगाना तो पड़ेगा। नहीं नहीं कंफर्म हो? हाँ, 50-50 लॉक कर दूं? हाँ। पक्का
या फिर आप 50-50 दो ऑप्शन हटा दो। अब तो सही है मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है। दो ऑप्शन हटा दो तो क्या तुम? हाँ ठीक है चलो, दो ऑप्शन हटाने की बात बोल रही है ना, 50-50 ठीक है, 50-50 एक कह रहा मैं आपको बेवकूफ बना रहा तो दो ऑप्शन हटा रहा हूँ मैं आपके सामने, एक झूलन गोस्वामी हट गया और एक स्मृति मंदाना हट गया। कन्फर्म मिताली राज और हरमनप्रीत कौर, दो ऑप्शन आपके सामने है। सोचना, बहुत बड़ी धनराशि का सवाल है। हरमनप्रीत कौर है? हरमनप्रीत कौर, बताइए बताइए। हरमनप्रीत कौर कन्फर्म? बिल्कुल सही आंसर, हरमनप्रीत कौर जो है करेक्ट आंसर है। और आप सभी जानते हैं कि मिताली राज ने संन्यास ही ले लिया ना। हाँ मिताली राज ने संन्यास ही ले लिया डोपा, तो खेलेगा कैसे है ना। तो हरमनप्रीत कौर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सवाल एक बच्चे ने पूछा है, बताना है आपको एक ये सही तरीका है। मनीषा रोपेटा कहाँ की पहली डीएसपी बनी है? मनीषा रोपेटा कहाँ की पहली डीएसपी बनी? ऑप्शन? ऑप्शन कुछ नहीं है, आपको आंसर देना है। चलो ये बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो महिला टीम थी हमारी, हाँ। उस महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट जो टीम थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसने कौन सा पदक जीता? अब ये मतलब पढ़ाया नहीं है, कौन सा पदक जीता है? सिल्वर जीता है, गोल्ड जीता है, ब्रॉन्ज जीता है? ऐसे सिल्वर ऐसे नहीं, सामने बता कैमरे में सिल्वर, मैं कोई वो थोड़ी हूँ, मैं बेईमान नहीं करता, मैं भी बेईमान नहीं कर रही। हाँ तो बताओ, जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स है हमारे, उसमें हमारी जो क्रिकेट टीम है, उसने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर। कंफर्म? गोल्ड किसने जीता बता? किसने गोल्ड जीता है? क्रिकेट में गोल्ड किसने जीता है महिला क्रिकेट में? सिल्वर तो हमने जीता है इंडिया ने, गोल्ड किसने जीता है? अच्छा गोल्ड सिंगापुर नहीं नहीं सिंगापुर तो टीम ही नहीं खेलती नहीं ऐसा नहीं करोगे आप मेरे साथ? अरे भगवान, अरे देवर देवा, पता तो है सिंगापुर, पता है इसके दिमाग क्या कंफ्यूजन हो गया, मामला हुआ क्या है? इंडिया की जो टीम थी टेबल टेनिस टीम, उसने सिंगापुर को हरा करके गोल्ड मेडल जीता था ना। हाँ। इसके दिमाग में वही चढ़ गया, अरे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया की क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो इस बार कौन से क्रम के थे? 22वें क्रम के। कहां पर हुए? कह दिए बहुत हो गए, कहां पर हुए? कहां पर हुए कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार बताओ? कहां पर हुए? हाँ कौन सी जगह पर हुए? ये मत करना मैदान पर हुए थे लाइफलाइन लो भाभी जी, भाभी जी लाइफलाइन लो आप। नहीं अम्मी। पेरिस, टोक्यो, बर्मिंगम और प्रीता का बताओ? बर्मिंगम में। बर्मिंगम। लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद में नहीं पूछूंगा ना, लास्ट सवाल ठीक है स्पोर्ट्स में मामला बहुत खराब है ठीक है तो मीराबाई चानू ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता कॉमनवेल्थ में? वेटलिफ्टिंग में। ओह वेरी गुड। तो कैसा लगा आपको आज का वेट, मतलब छाप के बताना, या ऐसी बस ऐसी सवाल पूछा था जिससे हो जाता कोई सवाल परीक्षा में आपसे पूछ ले तो आपका भी ठीक हो जाएगा इस बार नहीं तो, ऐसा डेली कर सकते हैं हम, तुम चाहो तो है ना, ऐसे टाइम पास टाइप का। हाँ बहुत मजा आया। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा ना, मतलब कुछ सवाल है। हाँ। याद भी हो गया वापस से एक बार। तो बताना आप सभी कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में, बता दे आप सभी को। और जय हिंद।